मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनको उद्धार करने के लिए आए हैं। लुका सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 10वां वचन ऐसे कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। काफी सारे लोगों का सवाल ऐसा होता है कि यीशु मसीह कौन है और यीशु यहां क्यों आए हैं। यीशु मसीह जब अपने परिचय देते हैं वो अपने आप को स्वर्ग के सिंहासन छोड़कर यहां नीचे उतर आया परमेश्वर जो देह रूप लेकर आए हैं, जो स्वर्ग में परमेश्वर होकर परमेश्वर की जगह पर बैठने की चाहत उन्होंने नहीं रखी। वे नहीं चाहते कि वो परमेश्वर की जगह बैठे। उनका प्यार है, उनका मन है। इतना महान मन और इतना महान प्यार हर किसी का नहीं होता है। हर कोई अपनी अपनी बड़ी बड़ी जगह पर बैठना चाहते हैं। एक अधिकारी अपनी जगह पर बैठना चाहता है, एक राजा अपनी जगह पर बैठना चाहता है, अपने सिंहासन बनाकर बैठना चाहता है। लेकिन सबसे पहली बार अगर किसी ने देखा है एक मनुष्य के प्रति अपना प्यार को दिखाकर, उस मनुष्य के प्रति जो बुरा है, जो गलत है, जो अधर्मी है, जो झूठा है, जो हत्यारा है, जो पापी है, जो अयोग्य है, जो किसी काबिल नहीं है, उसके खातिर अपना सिंहासन छोड़ना और वो भी स्वर्ग का सिंहासन छोड़ना। स्वर्ग छोड़ना, स्वर्ग में तो एक स्वर्गदूत था जिसका नाम लूसिफर। उसने चाहा कि प्रभु के सिंहासन पर जाके बैठे। अब उसने बगावत की, लेकिन प्रभु वो है जो सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता है। वो प्रभु चाहते कि आपके साथ आकर बैठे। वो परमेश्वर चाहते कि आपके पास रहे। आपको अकेलापन महसूस होता है, आप अपने आप को लोनली महसूस करते हैं, आप अपने आप को बिखरा हुआ, टूटा हुआ, इस संसार में छोड़ा हुआ, दुखराए हुआ अपने आप को समझते हैं, मानते हैं। आपकी भावनाएं, आपकी व्याकुलता, आपकी चिंता, आपकी मन बहुत चिंतित है। आपके अंदर बहुत दुख है, आपके अंदर बहुत पीड़ा है, दर्द है, व्याकुलता है, जो किसी को नहीं बांट सकते, कोई आपको समझ नहीं सकता। अगर इस व्याकुलता को, चिंता को, दुख को या फिर आपकी पीड़ा को कोई समझ सकता है, जान सकता है, उससे अगर आपको कोई छुड़ा सकता है तो केवल परमेश्वर है। वो हृदय में बसने का, वास करने का जगह सिर्फ परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर ने जब देखा कि मेरे संतान इस धरती पर खोए हुए हैं, वे इस संसार में खोए हुए, उलझे हुए, सुलझे हुए और उलझा हुआ उस मनुष्य को, उनकी संतान को ढूंढते ढूंढते यहां आया। इसलिए बाइबल ऐसा लिख रखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह खोए हुए मनुष्य को ढूंढने और को उद्धार करने के लिए। आप पाप से अपने आप बाहर नहीं आ सकते, गलत राह से आप अपने आप बाहर नहीं आ सकते। आपको सहाय की जरूरत है, एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस जगत में परमेश्वर बनकर नहीं आए हो, परमेश्वर की जगह से नहीं आए हो, परमेश्वर का स्थान छोड़कर मनुष्य बनकर आए हैं। आपके और मेरे जैसा एक स्वरूप लेकर इसी मानवीय शरीर में प्रवेश किए हैं। वो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। वो परमेश्वर आपको ढूंढ कर आए हैं। जिस दिन मैं भी संसार में प्रभु से दूर, संसार से गरीब, या फिर मैं संसार की गहराई में पाप में डूबकर मैं चल रहा था, पाप कर रहा था, व्यसन से भरा हुआ था, जिंदगी खराब थी, कहीं कोई अच्छाई नहीं थी, कोई शांति नामक चीज नहीं था, खोया हुआ था मैं संसार में। लेकिन जब मेरा प्रभु मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे करीब पहुंचा, उससे मैंने अपने जीवन को उनके हाथों में दे दिया और वह प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता बन गया, मेरा मसीहा बन गया, मेरा प्रभु बन गया है। जब मैंने उनके बारे में सुना कि मुझसे प्यार करने के लिए वो अपने शरीर का रूप लेकर आए, मुझसे प्यार करने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए मेरे जैसे शरीर में आ गए हैं वो, और उतना ही नहीं वो मेरा एक दास बनकर आए हैं। मनुष्य का दास है। दास वो होता है जो उसकी सेवा करता स्वामी की। दास अपने स्वामी की देखभाल करता है। परमेश्वर परमेश्वर की जगह, स्वामी की जगह नहीं बैठना चाहते, लेकिन मनुष्य की जगह, दास की जगह लेकर आपके और मेरा सेवा करना चाहते हैं। जब मैंने देखा कि मेरे यीशु मसीह जब यहाँ आए थे, मेरे पापों से मुझे छुड़ाने के लिए एक कीमत उनको चुकाना पड़ा। कीमत यह थी कि उन्हें मेरी जगह पर मरना है। मेरे पापों के बदले अगर मुझे छुड़ाना है, मेरे जीवन को अगर छुड़ाना है, मुझे अनंत काल का जीवन अगर देना है, तो उस प्रभु को मरना पड़ेगा मेरे जगह पर।
वो सलीब जहां पर यीशु मसीह चढ़ गए थे, जब यीशु मसीह को मारा गया था, कीलों से ठोका गया था, वो चाबुक की मार जो उनके ऊपर पड़ी थी, वो कांटों का ताज जो उनके सिर के ऊपर रखा था, वो भाला से जिसे उन्हें छेड़ा गया था, वो अपमान जो उनको किया गया था, वो सब उन्होंने मेरे लिए किया, मेरे लिए उन्होंने सहन किया, क्योंकि वो चाहते कि मैं बच जाऊं, वो चाहते कि आप बच जाए। इन वचनों को सुनने वाले मेरे भक्तों, प्रभु आपसे उतना प्यार करते हैं, वही कुर्बानी प्रभु ने आपके लिए भी दिया है। आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें, उनकी अपमान जो उन्होंने सही थी, वो जो निंदा उन्होंने सही थी, जो चाबुक की मार उन्होंने खाई थी, वो जो सलीब के ऊपर अपनी कुर्बानी उन्होंने दी थी, वो आपके लिए था। वो लहू जो उन्होंने बहाया तो वो आपके लिए था, आपको बुरी राह से छुड़ाने के लिए, आपको गलत राह से छुड़ाने के लिए, पाप की संसार से छुड़ाने के लिए, अधलोक की राह से आपको बचाने के लिए, नरक की ओर से आपको खींच कर ले आकर स्वर्ग में लेकर जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी सी कुर्बानी दी है। उसका प्यार इतना महान है, वो सदा सर्वदा आपके साथ रहना चाहते हैं। वो परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। वो परमेश्वर आप ही के पास रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। जिस दिन से मैंने प्रभु को स्वीकार किया, मेरा उठना मेरा बैठना वो जानता है, मेरा सोना वो जानता है, मेरा बाहर जाना मेरा भीतर आना वो जानता है। मैं जहां जहां जाऊं प्रभु मेरे साथ आते हैं। मेरा प्रभु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, मेरा प्रभु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है। बड़े कितने मुश्किलें आए हैं, कितने संकट आए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। वही प्रभु आपसे भी आप प्रतिज्ञा करते हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको त्यागेंगे नहीं, आपको ठुकराएंगे नहीं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, अनंत काल का जीवन प्राप्त कर लो। परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है, इस प्यार के बदले में आपको सिर्फ आपका मन देना है, अपने जीवन को परिवर्तित करना है। प्रभु की ओर अपने हाथ को बढ़ाइए, उस परमेश्वर की ओर देखिए, उस परमेश्वर से कहिए कि प्रभु आप मेरे भी उद्धारकर्ता बन जाइए, मेरे भी प्रभु बन जाइए, मेरे जीवन को सुधार दीजिए, मुझे भी अनंत काल का प्रतिज्ञा मेरे जीवन में सफल कर दीजिए। प्रभु निश्चय आपकी ओर देखेंगे, आपको आशीष देंगे, आपका जीवन प्रभु के हाथ में सुरक्षित है, आपका जीवन अनंत लोक में सुरक्षित है, आपका जीवन यहाँ पर सीमित नहीं होना चाहिए, स्वर्ग की ओर जाना चाहिए। निर्णय कीजिए, समय बहुत कम है, कब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे किसी को नहीं मालूम। हमारी उम्र खत्म होने से पहले, हमारी आयु खत्म हो जाने से पहले, हमारी सांस हमारे भीतर आने से रुक जाने से पहले एक निर्णय को लेंगे, आज ही वो सही समय है। इनफैक्ट अभी वो सही समय है।